आप सबका फिर से स्वागत है प्लम्बर ट्रेड के सिलेबस को कवर करने के लिए। तो सबका प्रेम पूर्ण अभिवादन। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, आपके परिवार में सब स्वस्थ हैं। और इसी के साथ हम वीक नंबर 34 में जो हमारा कुछ पार्ट रह गया था उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें क्या आता है, जल आपूर्ति। नंबर 34, वीक नंबर 34 में क्या है, जो भी हमारी वाटर सप्लाई सिस्टम है उसकी टेस्टिंग। वाटर सप्लाई सिस्टम टेस्टिंग अर्थात जल आपूर्ति प्रणाली का परीक्षण। जल आपूर्ति प्रणाली के परीक्षण हेतु सबसे पहले हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन। हम क्या करेंगे, पूरी पाइपलाइन को फिजिकली उसके पास उसको चेक करेंगे, सामने से देखकर बिल्कुल, उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है दाब परीक्षण। दाब परीक्षण, प्रेशर टेस्ट। दाब परीक्षण, दाब परीक्षण में क्या होता है, आप कोई भी पाइप ले लीजिए, इस तरह ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन में क्या होगा, आप एक छोर को पाइपलाइन के को बंद कर देंगे एयर टाइट, जिसमें हवा ना जा सके, दूसरी तरफ से पानी को भरते हुए एक हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन लगाएंगे। और हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन लगाने से क्या होगा, जिस प्रेशर के साथ, मैक्सिमम प्रेशर, जितना प्रेशर पाइप अटेन कर सकती है उतने प्रेशर के साथ उसमें पानी भरा जाएगा। और भरने के बाद जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन में प्रेशर दिखाई देगा, यदि कुछ समय पश्चात वो प्रेशर उसी तरह है, मिलता है उतना ही मिलता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी पाइप में कोई लीकेज नहीं है। और यदि वो प्रेशर घटता है तो पाइप में कहीं ना कहीं लीकेज है, और उसका पता करके यदि पाइप बदलनी पड़े तो पाइप बदलें, यदि कहीं से कोई फिटिंग लीक है, जोड़ लीक है, तो उसको ठीक किया जाए। इस तरह क्या होगा, आपका दाब परीक्षण होगा। दाब परीक्षण के बाद इसी तरह का एक टेस्ट है, रंगदार पानी द्वारा परीक्षण। रंगदार पानी द्वारा परीक्षण, इसमें क्या होगा, आप पानी के अंदर कोई भी रंग मिलाकर पाइप के अंदर एक छोर को बंद करके उसके अंदर क्या करेंगे, रंगदार पानी भर देंगे। रंगदार पानी भरने से क्या होगा, उसके बाद आप दूसरे छोर को भी बंद कर देंगे और पाइप का अवलोकन करेंगे। यदि उसके अंदर कहीं से भी रंगदार पानी निकल रहा है तो समझ लीजिए आपकी पाइप में लीकेज है, या फिर किसी फिटिंग से, किसी जोड़ से पानी निकल रहा है तो वो फिटिंग या फिर वो जोड़ लीक कर रहा है, और उसको आप ठीक करेंगे। इस तरह होगा रंगदार पानी द्वारा परीक्षण। एक और टेस्ट है रंगदार पानी की ही तरह, गंध परीक्षण, स्मेल टेस्ट। गंध परीक्षण, गंध परीक्षण में क्या करेंगे आप, गंध परीक्षण में भी वही, एक तीव्र गंध वाली गैस लेंगे, एक छोर को पाइप के को बंद करेंगे, दूसरे से गैस उसके अंदर भरेंगे और दूसरे छोर को भी बंद कर देंगे। और जब पाइप का अवलोकन करेंगे, यदि कहीं से भी तीव्र गंध आती है तो वहां से उस पाइप को चेक करके वहां से उस पाइप को ठीक किया जाएगा। ये होते हैं आपके वाटर सप्लाई लाइन के परीक्षण। इसके पश्चात एक और समस्या होती है जो हमारी वाटर सप्लाई पाइपलाइंस में आती है, वो होती है जिसे हम बोलते हैं वाटर हैमर। वाटर हैमर मतलब पानी का हथौड़े जैसा प्रहार। अब पानी का हथौड़े जैसा प्रहार कैसे होगा, कई बार क्या होता है, पाइपलाइन से एक प्रेशर पर पानी चल रहा है, उस प्रेशर से पानी चलते चलते
अब कई बार क्या करते हैं, एकदम से वाल्व या टैप जो भी लगी हुई है उसको एकदम से बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, पानी का जो प्रेशर है वो 15 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और 15 से 20 गुना ज्यादा बढ़ने के बाद वो जब पाइप में लगेगा तो तेज आवाजें होंगी और इससे आपकी पाइप फट सकती है। और इस पाइप को फटने से बचाने के लिए, रोकने के लिए, वाटर हेम्बर बनने से रोकने के लिए क्या करेंगे आप, पाइपलाइन में जगह जगह पर एयर रिलीफ वाल्व लगाएंगे। एयर रिलीफ वाल्व लगाने से क्या होगा, एयर रिलीफ वाल्व, छोटा सा इसका एक चित्र बनाता हूँ, वो वाल्व कुछ इस तरह होती है। तो क्या होगा, जैसे ही ज्यादा प्रेशर बनेगा क्या होगा, जो वाल्व है वो ऊपर की ओर खिसकेगी और हवा एक तरफ से बाहर निकल जाएगी। इस तरह आप एयर रिलीफ वाल्व का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कई बार क्या होगा कि आपकी पाइपलाइन बहुत लंबी है और सभी की सभी फिटिंग्स पाइप के अंतिम छोर पर लगी हुई हैं, उस टाइम क्या करेंगे आप, उस टाइम क्या बनाएंगे, वायु कक्ष, वायु कक्ष, एयर चैम्बर बनाएंगे। एयर चैम्बर पाइप में के साथ बनाएंगे। एयर चैम्बर का क्या कार्य होगा, जैसे यहाँ एयर चैम्बर बना दिया गया है इसके पास, एयर चैम्बर का क्या कार्य होगा, जैसे जैसे इसमें हवा बढ़ेगी पानी का सतह गिरता जाएगा, और पानी का सतह गिरेगा हवा बढ़ेगी, इसमें वाल्व लगी होगी एयर रिलीफ वाल्व, वो अपने आप खुलेगी और हवा निकल जाएगी। इस प्रकार भी आप वाटर हैमर से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ एक और समस्या है जिसको हम बोलते हैं प्लम्बिंग नोइसेज। प्लम्बिंग नोइसेज, कई बार पाइपों से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि विस्लिंग। विस्लिंग मतलब सीटी के प्रकार की आवाज आती है, सीटी के प्रकार की आवाज आती है, उस समय आप क्या करेंगे, विस्लिंग की आवाज आ रही है, विस्लिंग की आवाज आती है तो आप क्या चेक करेंगे, पाइप में कहीं कोई फिटिंग्स लूज ना रह गई हो, फिटिंग लूज ना रह गई हो, उसकी वॉशर ना खराब हो गई हो कहीं से फिटिंग की किसी की, तो क्या करेंगे, यदि फिटिंग लूज है तो फिटिंग को टाइट किया जाएगा, वॉशर लीक है वॉशर को बदला जाएगा, और या फिर फिटिंग ही आपकी खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है तो फिटिंग को ही बदला जाएगा। इस प्रकार आप विस्लिंग की आवाजें, रैटलिंग की आवाजें खत्म कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपको जो पहले बताया है वाटर हैमर, प्लम्बिंग नोइसिस में ही वाटर हैमर आता है, उसके लिए आपको उपचार बताया है एयर रिलीफ वाल्व और वायु कक्ष एयर चैम्बर बनाने का। ये था आपका प्लम्बिंग नोइसेज। इसके बाद हम किसी भी शहर या कस्बे में, शहर या कस्बे में जो वाटर सप्लाई देते हैं, जल आपूर्ति देते हैं, वो 3 प्रकार से देते हैं जल आपूर्ति। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे देंगे, पहला होगा गुरुत्व प्रणाली। गुरुत्व प्रणाली यानी कि ग्रेविटी सिस्टम। ग्रेविटी सिस्टम में क्या होगा, ग्रेविटी सिस्टम में कोई भी ऊंची जगह है या फिर उन्नत टैंक बनाकर, उन्नत एलिवेटेड टैंक बनाकर क्या करेंगे, अब वहां पर पानी की सप्लाई देंगे। उसका क्या फायदा होगा, वहां पर कोई बूस्टिंग स्टेशन, कोई पंप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऊंचे स्थान पर टंकी होगी, वो स्टोरेज टैंक होगा या ऊंचे स्थान पर टैंक होगा आपका, वहां से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पूरे प्रेशर से पानी पूरे कस्बे में सप्लाई हो जाएगा। और ये चीज कहाँ कामयाब है, यदि पहाड़ी की तलहटी में कोई शहर या कस्बा बसा हुआ है और स्टोरेज टैंक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, उस समय इसका सबसे ज्यादा फायदा है गुरुत्व प्रणाली का। उसके बाद आती है दूसरी, पंप सिस्टम। जहां ऊंची टैंक बनाने में सक्षम न हो या भूमि का स्तर ऊंचा न मिले, वहां पर क्या करेंगे,
वहां पर आप पंप सिस्टम यूज करेंगे। पंप सिस्टम पंपिंग प्रणाली में क्या करेंगे, पंपिंग प्रणाली में आप जहां से भी पानी जा रहा है स्टोरेज टैंक के साथ एक बूस्टिंग पंप लगाएंगे। बूस्टिंग पंप से क्या होगा, प्रेशर के साथ पानी सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद समान ये कार्य कि ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, जहां पर टैंक समान पूरे शहर के समान लेवल पर हो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे आप, पंप सिस्टम। उसके बाद एक और सिस्टम आता है जो इन दोनों को जोड़ के बना हुआ है, वो है ड्यूअल सिस्टम, दोहरी प्रणाली। ड्यूअल सिस्टम, ड्यूअल माने दोहरी, दोहरी प्रणाली। दोहरी प्रणाली में आप क्या करेंगे, दोहरी प्रणाली में आप दोनों प्रणालियों का संयोजन करेंगे, ग्रेविटी सिस्टम का भी, ग्रेविटी सिस्टम और पंपिंग सिस्टम दोनों को जोड़ेंगे। इसमें क्या होगा, टैंक बना दिया जाएगा, क्या होगा, टैंक बना दिया जाएगा ऊंचे लेवल पर, टैंक से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पानी आगे जाता जाएगा। लेकिन कुछ समय होता है दिन का या फिर कुछ महीने होते हैं साल के जिनके अंदर पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, उस समय उसकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे आप, इसके साथ एक पंपिंग बूस्टिंग स्टेशन पंप भी लगाकर रखेंगे, जो उसमें क्या होगा, दोनों चीजें काम करेंगी, गुरुत्वाकर्षण बल से भी जल की सप्लाई होगी और पंप से भी जल की सप्लाई होगी। उसको बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम। इसी के साथ आपका वीक नंबर 34 पूरा होता है। यदि इसमें किसी भी वीक में किसी भी प्लम्बर के कार्य के बारे में जानकारी लेनी हो, माजरा प्याऊ आईटीआई के बच्चे मेरा नंबर उनके पास है, लेकिन यदि किसी और भी आईटीआई का बच्चा कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर है 9068982048। आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले फिर एक बात कहूंगा, अच्छा प्लम्बर वही है जिस भी भवन में जाए प्लम्बिंग करे, वहां पर अनुशासन से कार्य करे, और जिसके भी भवन में काम कर रहा है उन लोगों को प्रेरित करे कि वो जल संरक्षण अवश्य करें, नहीं तो आगे जल की कमी हो जाएगी। और इसके लिए जल संरक्षण के लिए आप उनको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में भी बताएं, और इसी के साथ उनको कहें कि एक पेड़ अवश्य लगाएं। वैसे ही प्राकृतिक आपदाएं बहुत हो चुकी हैं, पेड़ लगाने से एक आपको साफ वातावरण मिलेगा। एक भवन के साथ उनको कहें कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, इससे वातावरण शुद्ध होगा, मृदा अपरदन कम होगा और भूमि में भी जल की मात्रा बनी रहेगी। धन्यवाद।